हाल ही में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा जमा के संबंध में नया विनियम जारी किया और उपभोक्ताओं को 2 महीने की ऊर्जा शुल्क के बराबर सुरक्षा जमा का भुगतान करने के लिए कहा, जो पिछले नियमन में 1 महीने का था। बड़े उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों और उनके वित्त पर भारी बोझ के कारण को दूर करने के लिए MERC के पास एक याचिका दायर की गई है। याचिका में पिछले नियमों को लागू करने का अनुरोध किया गया है। आयोग ने मामले को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही इस पर सुनवाई की जाएगी। सुरक्षा जमा के भारी बोझ से बचने के लिए प्रीपेड मीटर विकल्प के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। हाल ही में नियमों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सोलर और ग्रीन पावर ओपन एक्सेस पॉलिसी के संबंध में MERC में एक याचिका दायर की गई है, ताकि वर्ष 2030 तक केंद्र सरकार के 500 गीगावाट और गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। आज का जो हमने यहाँ पर मीटिंग कन्वे किया है, आज इस मीटिंग के अंदर में जो ज्वलंत प्रश्न है, जब ज्वलंत विषय है आज पावर सेक्टर को लेकर के, तहरीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, रिलायबल पावर नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो होने वाला इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, उसको हाईलाइट करके हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट के एक्ट में क्या प्रोविजन है। दूसरा, हम लोगों ने जो लीगल केसेस हमारे चल रहे हैं उसके बारे में हमने पूरा प्रकाश डाला कि जो लीगल केसेस हाई कोर्टों में रेगुलेटरी कमीशन में चल रहे हैं, और जिसके अंदर में हमने सजेशंस भी दिया है रेगुलेटरी कमीशन को, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए केसेस डाले हुए हैं, जिसमें रूफटॉप सोलर को अंदर में जो अड़चने हैं वो अड़चने दूर करेंगे। तो आगे में जो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट पावर जनरेट करने का 2030 तक नॉन कन्वेंशनल, वो हमारा टारगेट पूरा हो सकेगा। इसके बाद में काफ़ी कुछ हमने आगे में सजेशंस लिए, जिसमें ऑनलाइन भी काफ़ी कंज्यूमर्स ने ज्वाइन किया हमको, और सब लोगों के सजेशन देकर के हम आगे का फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं कि इसके अंदर में इस पावर सेक्टर में पावर टैरिफ कम कैसे किया जाए। और जो आज FAC के अंदर में इतना जो रेट एकदम बढ़ चुका है, जो अनसस्टेनेबल एनर्जी हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट का जो बिल आया, इसके अंदर में प्रोविजन है कि कॉम्पिटिशन डेवलप होगी इस सेक्टर में, और एक ही एरिया में मल्टीपल लाइसेंसेज आएंगे जिनके अलग अलग टैरिफ रहेंगे, और कंज्यूमर अपने चॉइस से लाइसेंसी सिलेक्ट कर सकेगा, उसके द्वारा वो अपना टैरिफ कंट्रोल कर पाएगा। और ऐसे बहुत सारे सजेशंस के ऊपर में आज ये मीटिंग हुई है और काफ़ी पॉजिटिव रही है, जिसका आगे हम लोग आगे का प्लान हम उस पर से भी बना रहे हैं।